इसराइल को नसरल्ला की सीधी धमकी सामने आई है। हमला किया तो खौफनाक अंजाम होगा, ये नसरल्ला की तरफ से धमकी दी जा रही है, हम कोई नियम नहीं मानेंगे। सिंह सर, मैं चाहूंगी आप इस पर एड ऑन करें। अब ये जो मोर्चा है युद्ध का, इसमें इसराइल तो देखिए हर मोर्चे पर कोशिश कर रहा है कि हमास को खत्म करे, और जैसा कि निनाद सर ने कहा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, जैसे निनाद सर ने कहा बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन एक चीज सोचने वाली है, इसराइल के लिए समय जो है एक ऐसी ये लड़ाई है जिसको अगर उन्होंने इसको एंड तक नहीं लेके गए तो ये आने वाले समय में उनको बार बार ये परेशान करेगी। तो इसलिए डिसीजन नेतन्याहू ने जो लिया है कि इस समय पूरे हमास को एलिमिनेट करना है, जब तक हमास एलिमिनेट नहीं होगा वो रुकेंगे नहीं, और इसके लिए अमेरिका पूरी मदद कर रहा है, इसमें डाउट नहीं। क्या गारंटी सर कि अगर एलिमिनेट हो भी जाता है तो भी विचारधारा किसी में नहीं पनपेगी? देखिए, दोबारा उसको खड़ा करने में, दोबारा उसको बनाने में बड़ा समय लग जाता है। ये ऐसा नहीं कि आज उसको एक नीचे लेवल तक ला के छोड़ा और अगले दिन खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसराइल की जो इंटेलिजेंस है, एक बार ही फेलियर उनका हो गया 7 अक्टूबर के लिए, मुझे नहीं लगता वो बार बार होगा। उन्होंने अपना लेसन उससे सीख लिया है, उनकी इंटेलिजेंस कंटिन्यूसली पे काम करेगी और ये उसको दोबारा पनपने नहीं देंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो इसराइल का इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का कोई वजूद नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, लेबनान बॉर्डर, जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर अचानक से सैन्य हलचल बढ़ी है, इजरायली फोर्स की तैनाती यहां पर बढ़ाई जा रही है, किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने की आशंका है, घातक हथियारों के साथ IDF यहां पर आगे बढ़ रही है। तो किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका है, ये बहुत बड़ी खबर है। लेबनान बॉर्डर पर इसराइल की फौज किसी भी वक्त जंगी मोर्चा खोल सकती है। हिजबुल्ला के खिलाफ होने वाले इस निर्णायक युद्ध पर अमेरिका भी शामिल है और कह भी दिया है, ऐलान भी कर दिया है, इसराइल की पूरी मदद करेंगे। उधर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, ऐसे में किसी भी वक्त एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो पहले ही जंग के दो मोर्चे चल रहे हैं, एक और जंग छिड़ने वाली है। तो देखिए, कुछ घंटों के अंदर अंदर इसराइल लेबनान में युद्ध शुरू हो सकता है। जो ताजा तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं वो तो यही आशंका जाहिर करती हैं। इसके पीछे पहली वजह है कि हिजबुल्ला ने 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दे दी है। दूसरी वजह है, इसराइल ने बॉर्डर पर टैंक और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। चौथी वजह, इसराइल ने 3-लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया है। चौथी वजह, हिजबुल्ला को ईरान रूस से भारी तादाद में हथियार मिले हैं, इसीलिए उसके भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पांचवी वजह, यूएन चीफ ने चेतावनी दी है कि युद्ध हुआ तो लेबनान अगला गाजा बन सकता है। क्या हालात उस तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? सुमित, क्या खबरें आपके पास आ रही हैं? क्या आकलन आपका है? क्योंकि बहुत तेजी से IDF आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, अचानक से डिप्लॉयमेंट मूवमेंट IDF का बढ़ा है लेबनान को लेकर। देखिए बिल्कुल, अगर लगातार जो रिपोर्ट आ रही है समीर, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लेबनान के इलाकों में, खासतौर पर अपने नॉर्थ इलाकों में, इसराइल ने अपनी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं और अपनी जो हैवी इक्विपमेंट यानी इन्फेंट्री और आप कह सकते हैं कि जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको मूव करना शुरू कर दिया। और ये डिप्लॉयमेंट इसलिए भी किया, अगर तुरंत अगर हिजबुल्ला की तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्ड आता है तो फिर निश्चित तौर पर इसराइल की तरफ से और बड़ा रिस्पॉन्ड दिया जाएगा, और ये इसलिए लगातार किया जा रहा है कि अपनी डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित की जाए। हमने देखा था कि हिजबुल्ला ने किस तरीके से जो वीडियोग्राफी की थी हाइफा, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन की, उसके ऑयल डिपो की, उसके लगातार दूसरे सेंसिटिव एरियाज की, उसकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इनको ये भी पता है कि अगर हिजबुल्ला को अटैक करना पड़ेगा तो वो इन्हीं इलाकों में सीधा टारगेट करेगा, और यही वजह है कि ग्राउंड फोर्सेस की मौजूदगी इस समय नॉर्दर्न इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। समीर,